दोस्तों पोको ने अपनी इंडियन मार्केट में बहुत ही अच्छी जगह बना ली है। फोन से लेकर TWS आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। अब इनके मार्केट में आ रहे हैं पोको पैड्स, जिसने पूरे दिन तक बना साथ दिया, बिकॉज यहां पर फिट की गई है 10,000 mAh की बैटरी। प्लस पॉइंट ये है, इसको यूज करते हुए ऐसा फील बिल्कुल नहीं हुआ इसमें इतनी बड़ी बैटरी लगाई गई है, बिकॉज इसका वेट बिल्कुल ज्यादा नहीं लगा मुझे। बाकी जब ये पोको पैड आपका डाउन होगा तो टेंशन मत लो, 10,000 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ पर आपको 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट मिल जाएगा। इसके 12-bit डिस्प्ले ने इतने अच्छे कलर प्रोड्यूस किए जो कि मेरी आंखों के लिए बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री रहे हैं। मुझे बिल्कुल स्मूथ मिली है इसकी पिक्चर क्वालिटी, और मैंने यहाँ पर लॉन्ग टर्म तक कॉन्टेंट देखा है, मेरी आंखों में इसका ज्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ा। तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी यहाँ पर यूज की गई है। अब वैसे देखा जाए तो मार्केट में आपको और भी बहुत सारे टैबलेट मिल जाते हैं, लेकिन चक्कर क्या रहता है, या तो आपको लेने पड़ते हैं हाई वेरिएंट जहां पर आपको सब कुछ एक अच्छा पैकेज दिया जाता है, या फिर आपको बजट में जाना पड़ता है जहां पर उतनी अच्छी चीजें देखने को नहीं मिलती है जितनी की होनी चाहिए। ये आपको मिड रेंज में देखने को मिलने वाले, अंडर 24,000 ये आपको देखने को मिलेगा। अब मैं अगर इस सेगमेंट में देखता हूं ना, ये पहला पैड बन चुका है जहां पर आपको 12.1 इंच का डिस्प्ले मिल रहा है, वो भी 2.5K रेजोल्यूशन के साथ, जो कि क्लैरिटी, डेप्थ और क्वालिटी हमें डिलीवर करता है। बहुत ही शार्प कंटेंट यहां पर आता है, आप इसको यूज करेंगे तो भी आपको शार्पनेस यहां पर फील होने वाली है। अब अगर मैं डार्क सीन देखता हूं यहां पर, तो वो काफी अच्छा रहता है। मैंने बैटमैन मूवी यहां पर देखी है और भी काफी सारी देखी है डार्क सीन वाली मूवीज, तो डार्क सीन काफी अच्छा विजिबल रहता है, और जो ब्राइट पार्ट होता है ना ओवर एक्सपोज वो बिल्कुल भी नहीं होता, तो सब्जेक्ट और बैकग्राउंड में जो सेपरेशन है वो काफी अच्छा यहां पर शो हो जाता है। अब जो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना इसको यूज करने का, मैंने यहां पर कंटेंट देखा इसको इस तरह से पकड़ के, तो ऐसे में बिल्कुल भी हाथों में ये अनकंफर्टेबल फील नहीं होते हैं, बिकॉज एजिस के राउंड कर रखे हैं। ये बहुत अच्छा मूव है इनका, एजिस को राउंड देना, बिकॉज अगर आप गेमिंग कर रहे हैं या कोई कंटेंट देख रहे हैं राउंड एजिस में बहुत कंफर्टेबल चीजें रहती हैं। दूसरा, इसका जो वेट है इसका डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा किया गया है। कई बार टैब होते हैं वो इस तरह से पकड़ते हैं ना, हमें फील होता है एक साइड से हैवी है एक साइड से हल्के हैं, इसमें ऐसा नहीं है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल इक्वल किया गया है। आप इसको जैसे भी पकड़ लो आपको ये कंफर्टेबल लगेगा होल्ड करने में। बाकी जहां तक ग्लास प्रोटेक्शन की बात है, आपको मिलती है फ्रंट पे गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन। बाकी अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। अब यहां पर आपको मिलता है पावरफुल स्नैपड्रैगन 7S जेन 2 प्रोसेसर, जो कि इस प्राइस की रेंज के हिसाब से मैं देखता हूं ना काफी अच्छा इन्होंने प्रोसेसर डाला है इसमें। इसको जब मैंने टेस्ट किया तो ये असली पावर फील करवाएगा जब हम यहां पर मल्टीटास्किंग करेंगे। यहां पर मैंने क्या किया, वीडियो रेंडरिंग भी लगा दी, यहां पर एडिटिंग भी चल रही है, ब्राउजिंग भी मैं यहां पर कर रहा हूं गूगल क्रोम में, और मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी खोल रखा है। सारे काम यहां पर आप आराम से कर सकते हैं एक साथ, मल्टीटास्किंग यहां पर बहुत अच्छी हो जाती है। रैम मैनेजमेंट भी इसकी काफी अच्छी है, मल्टीटास्किंग में कोई दिक्कत नहीं आती है। बेसिकली मुझे यहां पर कोई भी लैग फील नहीं हुआ इसको यूज करने के टाइम पे। इसका जो UI है वो मुझे स्मूथ लगा, 120Hz का रिफ्रेश रेट यहां पर मिल रहा है जो कि आपको स्मूथ फील करवाएगा ही। बाकी ये पैड आता है HyperOS के साथ और Android 14 आपको इसमें दे रखा है, जो कि बढ़िया है। UI में मैंने जैसे बताया आपको कोई दिक्कत नहीं आई है मुझे। मुझे लगता है ये जो पैड है ना ये बनाया गया है यूथ को टारगेट करते हुए, बिकॉज इसका जो प्राइस है या फिर इसकी परफॉर्मेंस है काफी अट्रैक्टिव लगी है मुझे। बाकी इसका एग्जैक्ट प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको इसका लिंक भी दे दूंगा मैं, जो भी ऑफर चल रहे हैं पता चल जाएगा आपको। बाकी अगर मैं स्टोरेज की बात करता हूं तो आपको दो अलग अलग वेरिएंट मिल जाएंगे, 8/128, 8/256 GB और 1 TB तक आप स्टोरेज को एक्सपेंड कर पाएंगे। और एक बात, यहां पर जो मैंने मल्टीटास्किंग के साथ साथ यहां पर मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस दिखाना वो मुझे कमाल का लगा, बिकॉज एक तो डिस्प्ले काफी बड़ा है, यहां पर जब हम कोई म्यूजिक सुन रहे हैं मूवीज देख रहे हैं ना तो साउंड क्वालिटी भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है जितनी की होती है वीडियो क्वालिटी। यहां पर आपको क्वाड स्पीकर्स मिल जाएंगे जिनकी क्वालिटी काबिले तारीफ है, मजा आ गया। जो स्टीरियो इफेक्ट यहां पर आता है ना वो गजब का आता है, साथ में डॉल्बी एटमॉस मिल रहा है यहां पर आपको जो कि मस्त काम करता है, हाई रेजोल्यूशन ऑडियो यहां पर आपको मिलने वाली है, तो ऑडियो क्वालिटी को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मल्टीमीडिया के लिए टैब ढूंढ रहे हैं पैड ढूंढ रहे हैं तब भी ये आपका साथ देने वाला है। आप इसको बाय कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से, इसकी सेल स्टार्ट हो जाएगी 27 अगस्त को। बाकी अगर मैं कैमरा देखता हूं तो यहां पर आपको 8 MP सेंसर मिल जाएगा फ्रंट और रियर पे, जो कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस आपको लेनी हो, थोड़ा बहुत कैमरा का डॉक्यूमेंट की पिक्चर्स लेनी हो, वो ये सब काम आपके आराम से कर जाएगा। बाकी टैब है तो टैब कैमरा के लिए तो कोई लेता नहीं है, जो बेसिक काम होते हैं वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी फुल HD में आप वीडियो कैप्चर यहां से कर सकते हैं इस टैब से अगर आप करना चाहते हैं तो। अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करता हूं तो Wi-Fi 6 का ऑप्शन आपको मिल रहा है यहां पर, स्टेबल कनेक्शन आपको यहां पर मिल जाएगा। बाकी Bluetooth 5.2 भी है, वायरलेस ऑडियो आपको चाहिए तो ये बड़े वगैरह आराम से कनेक्ट कर पाएंगे इसके साथ, जो कि बढ़िया बात है। अगर मैं आप बिल्ड क्वालिटी देख रहा हूँ ना, टैब होल्ड करने में प्रीमियम फील तो हो रहा है, पीछे आपको मेटल मिल रहा है, ये वाला पार्ट पूरा मेटल का है और यहाँ पर आपको प्लास्टिक दे रखा है, बिकॉज एंटीना बैंड्स वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जो नेटवर्क कनेक्टिविटी आपकी अच्छी रहेगी। साथ में साइडों में आप देखेंगे तो मेटल का फ्रेम आपको मिल रहा है,
एल्यूमिनियम का फ्रेम, तो क्वालिटी वाइज भी बहुत बढ़िया टाइम लगा। हाँ, स्लिपिंग लगेगा आपको बिकॉज मेटल है बैक साइड पे, तो बैक कवर यूज कर लेना, ये दिक्कत आपकी सॉल्व हो जाएगी। बाकी इसके आपको दो कलर मिल जाएंगे, ये एक तो ये ब्लू कलर है जो मेरे पास है, जो भी इसका नाम वगैरह है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देखो ये दो कलर इसके अवेलेबल है। बाकी लिंक आपको दे रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं, सारी ऑफर सारी डिटेल सारे वेरियंट्स आपको पता चल जाएंगे इस बैग के क्या क्या है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ हेल्प मिलेगी आज की वीडियो से, और आपको हेल्प मिले वीडियो को लाइक करो शेयर करो, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।